हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, नसरुद्दीन एम, नसरुद्दीन का निशाना। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक बार नसरुद्दीन अपने दोस्तों से बात कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, वो अहंकार भरी बातें करने लगा, जैसे कोई अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलता है, घमंड भरी बातें। उसने कहा, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, तीरंदाजी में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, मैं धनुष को कसता हूँ कि जब वो एरो शूट करते हैं तो एरो बहुत दूर जाकर गिरता है ना, या एरो अपने टारगेट पर जाकर लगता है। नसरुद्दीन कहते हैं, आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम, मैं निशाना लगाता हूँ, एंड शूट द एरो, और एरो को शूट करता हूँ या छोड़ता हूँ। ऊश, इस तरह से साउंड करके एरो आगे की ओर निकल जाता है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, तो एरो अपने टारगेट पे ज़रूर जाकर लगता है, मतलब उसका लगना तय है। नसरुद्दीन कहते हैं कि जब मैं इस तरह से अपने धनुष को कसता हूँ और तीर को छोड़ता हूँ, तो जो एरो है वो अपना टारगेट मिस नहीं करता। हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमिडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज, और ये सुनकर ही नसरुद्दीन के कुछ दोस्तों में से एक दोस्त इमिडिएटली उसी वक्त जाकर लाता है। ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस है, तो नसरुद्दीन का एक दोस्त उसी वक्त एक धनुष और कुछ एरोस लेकर आता है, एरोस मतलब तीर। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, उसने नसरुद्दीन को दिया और कहा, ये नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोस, ये धनुष और ये इन तीरों को लो। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट, तब उसने जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसकी ओर दिखाया। He said, और कहा, aim at that target, उस लक्ष्य पर निशाना लगाओ, and shoot an arrow, और एरो को छोड़ो। नसरुद्दीन held the bow in his hands, नसरुद्दीन ने hold का past tense है, held मतलब पकड़ा, तो नसरुद्दीन ने धनुष को अपने हाथ में पकड़ा, strung it, उसको कसा, aimed at the target, target पर निशाना लगाया, and shot an arrow, और एरो को छोड़ा, ऊ करके एरो की आवाज़ आई। द एरो डिडेंट हिट द टारगेट, एरो टारगेट को हिट नहीं कर पाई, मतलब टारगेट पे लक्ष्य पर जाकर नहीं लगी। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, इसकी बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, इसकी बजाय ये कहीं बीच में ही जाकर गिर गई। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। दे सेड, उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या नसरुद्दीन यही तुम्हारा बेस्ट एम है, सबसे अच्छा वाला निशाना है? ओह नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए, डिफेंडिंग मतलब बचाना, अपने आप को बचाना, हिमसेल्फ मतलब खुद को। दिस वॉजेंट माई एम, दिस वॉज नॉट माई एम, तो ये मेरा एम नहीं था, वॉजेंट मतलब वॉज नॉट। इट वॉज आज़ाद्स एम, ये आज़ाद का एम है, उसने किसी का नाम लिया और कहा ये आज़ाद का एम है या निशाना है। I just showed you how Azad shoots an arrow. मैं बस तुम लोगों को यही दिखा रहा था कि किस तरह से आज़ाद एरो को छोड़ता है, तीर को छोड़ता है। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. और ये कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा एरो उठाया, picked मतलब उठाया। Once again, दोबारा से, he strung the bow, उसने धनुष को कसा, aimed at the target, लक्ष्य पर निशाना लगाया, aimed मतलब निशाना, target मतलब लक्ष्य, एंड शॉट द एरो, और एरो को छोड़ा। दिस टाइम, इस समय, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर, एरो थोड़ी सी दूर जाकर गिरी, फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, जहाँ पहले गिरी थी उससे थोड़ा सा आगे जाकर गिरी। बट इट सर्टेनली डिडेंट हिट द टारगेट, लेकिन निश्चय ही इसने टारगेट पर हिट नहीं किया, ये टारगेट पर इस बार भी हिट करने में नाकामयाब रही। नसरुद्दीन इस बार भी अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने में नाकामयाब रहा। Didn't मतलब did not. They asked नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन के दोस्तों ने उससे पूछा, and this must be how you shoot an arrow. अभी जैसे तुमने arrow shoot किया, यही तुम्हारा निशाना होना चाहिए? Of course not. नहीं, मेरा निशाना नहीं है ये. Argued नसरुद्दीन. Argue का मतलब होता है तर्क करना. Even this aim was not mine. ये भी मेरा aim नहीं था. It was the chief guard's aim. ये सेनापति का निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, अब किसी ने कुछ कहा, वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट,
नसरुद्दीन जब निशाना नहीं लगा पा रहा था तो वो अपनी गलती ना मानकर वो दूसरों का नाम ले रहा था कि मैंने तो उसका निशाना लगाया, मैंने आज़ाद का निशाना लगाया, मैंने सेनापति का निशाना लगाया, कैसे सेनापति निशाना लगाता है। तो इस तरह से उसने अपनी गलती नहीं मानी, तो इसलिए उसके एक दोस्त ने कहा, तो अब तुम किसका निशाना लगाने जा रहे हो? हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। तो उसके दोस्त ने जब कहा, अब तुम्हारे नामों के लिस्ट में किसका नाम है, किसका नाम लेने जा रहे हो? तो ये सुनकर उसके सारे दोस्त इतने ठहाके मारकर, वो बस्ट आउट लाफिंग का मतलब है ठहाका मारकर हंसना, तो सभी दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने शांति से एक और एरो को उठाया, एंड अगेन, और दोबारा 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 क्या हुआ, उसी तरह से उसने धनुष को कसा, तीर छोड़ा और तीर की आवाज़ आई पूछ करके, ठीक है। तो इस वक्त क्या हुआ, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, नसरुद्दीन सचमुच में भाग्यशाली था इस वक्त। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, अब एरो ने लक्ष्य पर जाकर हिट किया। आप देखिए, एरो ने लक्ष्य पर जाके हिट किया। Everybody stared at Nasruddin. Stared मतलब घूरना, सब नसरुद्दीन की तरफ घूरने लगे। Their mouths agape in amazement. Agape मतलब मुख खुला का खुला रह जाना, amazement मतलब आश्चर्य होकर। Before anyone could say anything, किसी के कुछ कहने से पहले ही नसरुद्दीन said triumphantly, मतलब विजेता की तरह, triumphantly मतलब विजेता की तरह, नसरुद्दीन ने एक विजेता की तरह कहा, डिड यू सी दैट, क्या तुम लोगों ने देखा ये, इट वॉज माई एम, ये मेरा निशाना था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।